गैर मर्दों से अवैध संबंधों के आरोप से आहत पत्नी ने एसपी से की पति की शिकायत। शिवपुरी जिले के कोलारस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चदौरिया गांव की निवासी एक विवाहिता ने सोमवार को एसपी ऑफिस में आवेदन देकर पुलिस से पति के खिलाफ कार्यवाही किए जाने की गुहार लगाई है। महिला ने बताया कि मैं काम के सिलसिले में बाहर रहती हूं, मेरा पति घर पर ही बैठे रहते हैं, आए दिन शराब पीकर रोज गाली गलौज और मारपीट करते हैं और मुझ पर झूठा इल्जाम लगाता है और कहता है कि तेरे दूसरे मर्दों के साथ संबंध है। मेरे दो बच्चे हैं जिनकी उम्र 12 साल एवं 7 साल का है और मैं इनके भरण पोषण के सिलसिले में बाहर काम करती हूँ और मेरा पति मुझे गलत समझता है। वह खुद तो कमाने नहीं जाता और मैं अपना ब्यूटी पार्लर चलाती हूँ तो वह भी आ जाता है और सब लोगों के सामने मेरी बेइज्जती करता है। और मेरे पिताजी से उसने काम के लिए 1-1 लाख रुपए करके 2 बार ले लिए मगर वह शराब में पूरे रुपए खत्म कर दिए और वह जुआ एवं सट्टा भी खेलता है। महिला ने बताया कि पिछले दिनों उसने एसपी ऑफिस में मेरे एक युवक से अवैध संबंधों का झूठा आरोप लगाते हुए भी शिकायत दर्ज करा दी थी। महिला ने पुलिस से पति के खिलाफ कार्यवाही किए जाने की गुहार लगाई है। कहाँ से आए हैं? यहाँ कॉलर से। आज एसपी ऑफिस आए, क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ मेरा पति है दुर्गेश कुशवाहा, तो मैं पार्लर चलाती हूँ, तो कहना कि वो मेरे पे गलत गलत इल्ज़ाम लगाता है। कैसे इल्ज़ाम लगाता है? ऐसे कहना कि अभी कुछ दिन पहले एक गोलू धाकड़ है और पिताजी उसके सुवालाल कुशवाहा उसके साथ में मेरा गलत गलत रिलेशन बताता है और मैं उससे कहीं से कहीं तक नहीं जानती और ना मुझे उससे कुछ मतलब है। तो फिर वो गलत संबंध क्यों बताता है आपका पति? पता नहीं क्यों, मैं काम भी करती हूँ, अपना पार्लर चलाती हूँ, हर किसी इंसान से यही कहता है, बस कहता है पैसे ला के दे और नहीं तो बस ऐसे इल्जाम लगाता है। उसने तो बहुत बड़ा आरोप लगाया आपके पति ने, तो पहले आवेदन दे चुका है यहाँ पर आपका पति। हाँ हाँ, कि वो गोलू है उसके साथ ही रह रही है मेरी पत्नी। हाँ, ये आवेदन है पर मैं उसको कहीं से कहीं तक नहीं जानती, ना मैं मेरा उससे कोई रिलेशन है ना मैं उसको जानती हूँ। तो फिर ऐसे कैसे आरोप पति लगा सकता है? तू कहना वो तो ऐसे ही लगाता है, बस उसको पैसे दो तो ठीक है, नहीं तो बस ऐसे ही गलत 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 आरोप लगाता है। अच्छा, आप उसको पैसे नहीं देते? हाँ, मैं पैसे नहीं देती, मैंने 1 साल 6-7 महीने से पैसा देना बंद कर दिया है जब से ऐसे ऐसे गलत आरोप लगाना। तो अभी कहाँ रह रहे हैं आप? अभी तो मैं कॉलरस ही रह रही हूँ। कॉलरस पापा के साथ? नहीं, मैं तो अभी कॉलरस में पार्लर चला रही थी बट अब मैं बाहर काम कर रही हूँ, तो मेरे से ये बोलता है कि उसी के साथ में रह रही हूँ, उसी के साथ में, और मैं उसको जानती भी नहीं हूँ, ना मेरा ऐसा उससे कुछ रिलेशन है, ना कुछ भी नहीं जानती हूँ उसके बारे में। तो पति ऐसा क्यों कर रहा है, कारण क्या है? बस ऐसे पैसे नहीं दे रही हूँ इसलिए कर रहा है। पैसे और कोई वजह तो नहीं है? और कुछ वजह नहीं है, बस पैसे नहीं देती हूँ। क्या है, मैं पहले काम करती थी, पैसे देती थी तो ठीक लगता था और अब मैं पैसे नहीं देती हूँ तो बस गलत गलत आरोप लगाता है। आप उसके साथ रहना चाहती हैं? नहीं, मैं उसके साथ में रहना नहीं चाहती। तो वो तो ये कह रहा था उस दिन की डिवोर्स चाहिए उसे। हाँ, तो आप डिवोर्स नहीं दे रही हैं? तो मेरे से बात ही नहीं की, वो तो दुनिया में बोलता फिर रहा है पर मेरे से तो बात नहीं, बात करता है तो गाली गलौज करता है, जब भी फोन लगाएगा तो गाली गलौज करता है और ऐसा वैसा, वो तो गलत गलत इल्जाम लगाता है मेरे। अब आप क्या चाहती हैं? मैं कुछ नहीं चाहती हूँ, बस मेरा जो भी जो आवेदन दिया है उसका मुझे न्याय करें।